आरडी शर्मा का ही फोकस कर। चलो आज मैं आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन करना सिखाता हूँ, मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन में कैसे प्लस माइनस करते वो सिखाता हूँ आप लोगों। सर डाउट है। क्या डाउट है राधी बोलो। सर 9.2 आपने जो होमवर्क दिया था ना, हाँ उसमें वो फोर्थ क्वेश्चन है ना, फाइंड द वैल्यू, उसमें डिवीजन है जो आपने सिखाया नहीं है, वो सिखा दूँ? चलो हाँ सर। तो आज सिखा देते हैं, लेकिन वही मैं बता रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा तो डिवीजन आ जाएगा। तो अभी उसको छोड़ दो, उस क्वेश्चन को छोड़ दो, मैं आपको पहले करा दूं, बाद में हम उसको देखते हैं। देखो आज सबसे पहले तुम्हें मल्टीप्लिकेशन करना बताते हैं। जैसे आपने याद दिया 5/4 मल्टीप्लाई बाय 5/6, ठीक है? तो अब इनटू कैसे करोगे, मल्टीप्लाई कैसे करोगे? 5 को 5 से मल्टीप्लाई, 5 × 5, 4 को 6 से। और अगर ये वाला इससे किसी से कट रहा है काट सकते हो, ऊपर वाला किसी से कट रहा है काट सकते हो, नहीं कट रहा है तो 5 × 5 = 25, 4 × 6 = 24, ऐसे लिखना छोड़ सकते हो। ये इसका आंसर आ गया। अब जैसे आपके पास है फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में ये दिया है −5/6 × 7/25। तो आप क्या करोगे, 5 को 7 से इंटू करोगे, 5 × 7 = 6 × 25। लेकिन आपको पता है 5 और 25 कैंसिल हो सकते हैं, 5 1 5 5 5, तो फिर 1 से 7 को इंटू किया −7 1 7, 6 को 5 से इंटू किया 13, तो 7/30 इसका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया मल्टीप्लिकेशन? हाँ सर। ठीक है, अब देखो इसी मल्टीप्लिकेशन में अगर मैं ऐसे लिखता 2/3 × 6/5 + 4/3 × 3/5 और इसका मेरे को सम चाहिए, तो आप क्या करो, पहले 2 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 2 × 6 = 3 × 5 प्लस 4 को 3 से इंटू 4 × 3 = 3 × 5। अब देखो ये 3 के टेबल में काटा, 3 1 3 2 और 3 1 3 1 2 2 4 4/5 प्लस 4 1 4 5 1 5, ये आपका आ गया। अब आप इसमें क्या करोगे, भी प्लस है तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लोगे, अगर सेम नंबर है तो डायरेक्टली आपने 5 लिख दिया, और 4 और 4 को न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड कर दोगे, तो 8/5 जिसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1 3/5 आएगा। पता है 1 3/5 कैसे आया? हाँ सर, मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखो इनटू भी किया मैंने, प्लस भी किया, बीच में माइनस भी आ सकता। देखो मैं आपको ये समझ पाया मैंने कैसे मल्टीप्लाई करके दिखाया आपको, पहले देख लो पूरा मेथड, फिर मैं आपको क्वेश्चन भेजूंगा, वो आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। हाँ सर, समझ में आ गया। पक्का? अब देखो। हाँ सर, समझ आया। ठीक है, अब और मैं आपको इसके ऊपर मैं दिखा रहा हूँ, जस्ट वेट। आपके पास ये क्वेश्चंस दिए हैं, अब जरा देखना इसको मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। देखो 3 3 ब्रैकेट आपके पास, 3/11 × 5/6 − 9/2 × 4/3 + 5/13 × 6/5/13 × 6/15। अब इसको तुम्हें सर ऊपर का नहीं दिख रहा, ऊपर का नहीं दिख रहा, न्यूमरेटर नहीं दिख रहा सर। चलो कोई बात नहीं, फिर से लिख देता हूँ। क्वेश्चन दिया है 3/2 × 1/6 + 5/3 × 7/2 − 13/8 × 4/3
ये आपको दिया, आपको उसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब है पहले आप मल्टीप्लाई करो, 3 × 1 2 × 6 ब्रैकेट, 5 × 7 3 × 2 13 × 4 8 × 3 अब देखो इसमें 6 और 3 कट रहे हैं तो 3 1s 3 2s, इसमें कोई भी नहीं कट रहा ऐसे छोड़ देंगे, इसमें 4 1s 4 3s नहीं 4 2s, सॉरी। अब देखो ये बच गया, अब 1 1s 1 2 2s 4 इसका आंसर आया, इसमें 5 7s 35 3 2s 6 इसमें 13 1s 13 2 3s 6 ये आ गया। ये आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, अब आपको क्या करना है एलसीएम लेना सभी का, 4 6 6 का एलसीएम 12 दोनों के टेबल में 12 आता है 24 से पहले, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, 4 के टेबल में 12 3 टाइम्स ऊपर नीचे 3 से इनटू किया, 6 के टेबल में 12 2 टाइम्स, 6 के टेबल में 12 2 टाइम्स, 3 1s 3 plus 35 2s 70 minus 13 2s 26 73 minus 26 upon 12 13 में से 6 गया 7, 6 में से 2 गया 5, नहीं 6 में से 2 गया 4 अपॉन 12। फिर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना चाहे तो कर सकते हो, 12 3s 36 1 1 question 3 remainder 11 by 12। तो सर आप मिक्स फ्रैक्शन में नहीं लिखे तो चलेगा? नहीं लिखो चलेगा, लेकिन बहुत जगह तो आंसर चला लेते हैं, बहुत जगह नहीं भी चलाते, तो आप मिक्स में करो, क्योंकि कभी कभी आपके एमसीक्यू में मिक्स में दिया हो तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मिक्स में कर दो। अच्छा okay. ऐसे करोगे तो रॉन्ग नहीं है। चलो मैं आपको अब क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं आंसर एक के भी नहीं बताऊंगा, एंडिंग में आंसर डिस्कस करूंगा। ओके मैं आप लोगों सभी को हर तरह के क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं करीब आपको 8 क्वेश्चन दे रहा हूँ, और देखें 8 क्वेश्चन का टाइम है 10 मिनट, और किसके कितने राइट हैं, इसको कितना स्कोर हुआ वो देख लेते हैं हम लोग। सभी को समझ आ गया बच्चों? इस देखो किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। अब यहां देखो -5/9 * 4 न्यूमरेटर नहीं दिख रहा सर, नहीं दिख रहा है, दिख रहा -5/9 * 4 हां सर दिख रहा, हां सर। सेकंड क्वेश्चन -36/4 * -28/9 थर्ड क्वेश्चन, आप लोग स्टार्ट कर दो, टाइम वेस्ट नहीं करो। -8/7 × 14/5 8/7 फोर्थ क्वेश्चन -5/9 × 72/125 फिफ्थ क्वेश्चन -16/5 × 20/8 -15/5 × -35/5 एंड लास्ट क्वेश्चन सिक्स्थ क्वेश्चन, मतलब अभी के इस टाइम के लिए -7/18 × 15/-7 -1 × 1/4 + 1/2 × 1/4 आपके सिक्स क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपके हैं 10 मार्क्स के, और टाइमिंग आपके लिए 10 मिनट्स। देखिए किस कितने बच्चों के 10 आउट ऑफ 10 आ रहे हैं और 10 मिनट्स के अंदर आ रहे हैं। अब सॉल्व करो,
दक्षिण बेटा कैमरा ऑन करो, दक्षिण कैमरा ऑन, सब लोग कैमरा ऑन रखो, कोई भी कैमरा ऑफ नहीं करो, गुड दक्षिण। सब लोग फर्स्ट चैप्टर रेडी रखना, मंडे को 20 मिनट का टेस्ट होगा और एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे सारे। सर मैं अटेंड नहीं करूंगा क्लास मंडे को। दस मिनट बाकी है, सब लोग अपना मत। हाँ क्या बोल रही हो राधि? सर मैं अटेंड नहीं करूंगा क्लास मंडे को। क्यों, क्या हो गया, बर्थडे तुम्हारा? नहीं नहीं सर, एग्जाम था एसएससी की। किसका? दक्षिण का। ठीक है दक्षिण, तुम कितना 10-20 मिनट का बेटा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, कर सकते हो। वो तो एग्जाम तुम्हारा सुबह होगा ना बेटा, शाम को थोड़ी ना होगा, पढ़ के जा सकते हो ना, उसमें तुम अगर छुट्टी लोगे तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा बेटा। अच्छा मैं शाम को सो जाऊंगा, फिर मुझे ऐसा दर्द होता है। दक्षिण तुम्हारा एग्जाम सुबह है कि शाम को है, कितने कब है एग्जाम? सुबह है। सुबह के मंडे को सुबह है ना, तो तुम शाम को तो दे ही सकते हो ना, पढ़ सकते हो ना, तो क्यों टेंशन, उसको छुट्टी लेने का कोई मतलब नहीं बेटा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा उस दिन। सर फिर मैं तैयारी भी नहीं कर सकता ना। ऐसी कर, तुम्हारा तुम्हारा तुम्हारे सर थर्ड क्वेश्चन नहीं दिख रहा, तुम्हारे मार्क्स काउंट नहीं करेंगे, तुम्हारे को सिर्फ देखेंगे, तुम्हारे नॉलेज चेक करेंगे, तुम्हारे मार्क्स मैं नहीं बताऊंगा, तुम टेंशन मत लो दक्षिण, ठीक है? ओके सर। तुम दे देना, ऐसे ही दे देना, बिना पढ़े देना। सर हाँ बेटा। सर मैं 5 o'clock को मुझे जाना पड़ेगा, मेरा दूसरा ट्यूशन है इसके बाद। किसको जाना है? ध्रुव को। नो किसको? अरुणा से। इसको किसको जाना बताओ, वेदांत को? नहीं सर ध्रुव। सर ध्रुव को जाना है। ध्रुव कहाँ जाना है तेरे को? सर मेरा दूसरा ट्यूशन है 5 बजे। 5 बजे ना, तो चले जाना 5 बजे, अभी तो कहाँ 5 बजे, तो कितना सा टाइम बाकी। मैंने आपको पहले बोला था पर आपने देखा नहीं। सॉरी भूल गया बेटा, आज का चलो 5 बजे छोड़ देंगे, सबको टेंशन नहीं हो, ठीक है? सफिका आप भी तैयारी रखना बेटा फर्स्ट चैप्टर। सफिका आप रचना में कौन से स्कूल में हो? सफिका रचना। तो बस तैयारी कर लो, एग्जाम चालू होने वाले हैं 27 से। कौन सा फेस बना के आया अर्नब? फेस नहीं बदल अर्नब, फेस ला, असली फेस ला। कौन सा फेस बना के आया? दक्षिण तुम बिना पढ़े दे देना बेटा, टेंशन मत लो, तुम बस आना, छुट्टी रखो तो हो जाएगा। देव बेटा कैमरा ऑन करो बेटा, देव कैमरा, दक्षिण कैमरा ऑन करो बेटा, ऑफ नहीं रखो, बोलो।
चलो डिस्कस करें, 10 मिनट हो गया, कितना बाकी? नहीं सर बाकी है सर, 2 ही बाकी है। अच्छा करो करो आराम से, जल्दी करो करो, स्पीड बढ़ाओ। देखो तुम्हारे पास असाइनमेंट आ गए, आज का मैंने कुछ 5 क्वेश्चन आपको भेजे हैं, आप लोग चेक कर लेना 5 क्वेश्चन मिले कि नहीं। हाँ सर आ गए। तो वो आप लोग प्रैक्टिस कर लें, जो आर्गुमेंट बना उसके ऊपर है डिपेंडेंट। ओके सर। चलो मैं आंसर्स बता रहा हूँ, अब 10 क्वेश्चन हो गए हैं, डिस्कस कर लेते हैं। चलो जिस जिसका रॉन्ग है बताना, उसको मैं करेक्शन बता दूंगा, और जिसके पूरे राइट है वो भी बताना। फर्स्ट का आंसर है -20/9, -20/9, -180/9 है। हाँ सर -20/9 ही है सर। पहले का आंसर -20/9 है, जिसका रॉन्ग है, रॉन्ग करना उसको मैं करेक्शन बताऊंगा। सर -180/9 है। अच्छा सुनो, रॉन्ग है बेटा तुम्हारा, -20/9। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है 16, 16, 16, जिसका रॉन्ग है रॉन्ग बता, 16 आंसर है। अच्छा अब नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका आंसर है -16/5, -16 करेक्ट है।
जिसका रॉन्ग है रॉन्ग कर लेना और अपना जज देखो, मैं किसी के मार्क्स नहीं दे रहा हूँ, अपने मार्क्स खुद क्लियर कर लेना। ये टोटल 6 क्वेश्चन है, 12 मार्क्स का टेस्ट है, हर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का है, जो रॉन्ग है वो जीरो कर देना और राइट को खुद ही जजमेंट ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड का मतलब फोर्थ का आंसर 8/25। अब देखो उसमें कोई बात नहीं, गलत तो गलत, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं मार्क्स किसी को बता ही नहीं रहा हूँ, आप अपने अपने मार्क्स खुद चेक कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई का फिफ्थ क्वेश्चन, उसका आंसर है आपका 13। हाँ सर। और उसके बाद है जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर है 17/24। तो देखो आपके कितने रॉन्ग बैठे कितने राइट। अब मैं इसको करेक्शन बता देता हूँ और इसके बाद आप लोग जो मैंने क्वेश्चन भेजे उसकी आप प्रैक्टिस में लग जाएंगे। देव तुम बेटा कैमरा को कंट्रोल रखो बेटा, तुम इधर उधर हिला लो बेटा। देव पटेल ध्यान दो बेटा, चलो यहाँ देव नहीं आवाज निकलते बेटा, गंदी आवाज। देखो यहाँ सबसे फर्स्ट सर, मैंने नहीं निकाली सर। कोई बात नहीं, जिसने सर मैं तो म्यूट हूँ। अब यहाँ देखो इसका आंसर तो ऊपर से ऊपर 5/20 9/9 ये आंसर आ गया। डायरेक्ट इन टू कर सकते 5/20 9/9 जिसका सर नहीं दिख रहा है ऊपर है। देखो इसका आंसर है -5 × 4 9 × 1 5/20 9/9 फर्स्ट आंसर ही आ गया। सेकंड का आंसर देखो 36 − 36 − 28 4 × 9 देखो अब यहाँ 4 × 4 4 × 9 = 36 9 × 9 9 × 9 माइनस माइनस प्लस तो आपका आंसर है 28/1 आपका आंसर 28। सेकंड का आंसर 28। थर्ड का आंसर और सेकंड हो गए। अब थर्ड का आंसर देखो ऊपर से ऊपर −8 × 14 7 × 5 7 × 7 = 8 × 16 5 × 5 −16/5 ये है थर्ड का आंसर। देखो ऊपर से 7 × 7 = 2 8 × 16 16/5 आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर देखो, फोर्थ आप करोगे तो −5 × 72 9 × −125 माइनस माइनस कट हो जाएगा 5 × 5 = 25 9 × 9 = 8 ऊपर आया 8 × 8 = 25 8/25 है फोर्थ का आंसर। अब लोग करेक्शन कर लेना, रॉन्ग हुआ कोई बात नहीं, आपकी मिस्टेक्स पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखो, इसमें आप देखोगे तो 8 × 8 = 5 × 5 = 4 4 × 8 पहले ब्रैकेट का आंसर −8 आया 5 × 3 = 15 5 × 7 बेटा आवाज नहीं करो आपको डिस्टर्ब होगा 7 × 3 = 21 −8 भाई आधी के उधर से आवाज आ रही है 21 × 1 = 22 जो भी करो उसमें मना करो जो नहीं करो उसमें कुछ नहीं करो 21 में से 8 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 8 इज़ भी है 21 में से 8 माइनस 13 इसलिए फिफ्थ का आंसर 13 आ रहा है। अब हम आ जाते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन में। देखो सिक्स्थ क्वेश्चन में आप देखोगे तो 7 × 15 18 × 7 और माइनस माइनस प्लस हो गया 7 से 7 कट हो गया तो यहाँ 7 × 1 = 7 −1 × 1 = 4 कुछ नहीं नीचे 1 डाल देना प्लस 1 × 1 = 8 तो यहाँ पॉइंट आया। अब इसको हटा देते हैं 15 × 15
18, लेकिन ये दोनों 3 के टेबल से काट के 5 का 3 6 का, तो इसका सिंपलीफाइड फॉर्म है 5/6, 1/4, 1/8, एलसीएम भी यार तीनों का 24 आया, 6 4 का 4 6 का 8 3 का 5 4 का 20, 6 का 6 minus plus 3 was the 3, 20 minus 6 14, 14 plus 3 17, देखो 17 upon 24, सारे आंसर कितने फटाक से आ गए तुम्हारे, बस अब आप लोग इतना प्रैक्टिस करके रखना और फोर्थ चैप्टर का तैयारी रखना, ये मैंने आपको 5-6 क्वेश्चन दिए वो करके रखना बस, फिर टेक्स्ट बुक के डाउट जैसे चैप्टर टेक्स्ट बुक।